नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका प्रबोध क्लासेज के यूट्यूब चैनल में। दोस्तों, हम लोगों ने सुबह नृत्यों की बात की थी और आज मैं 3 बजे की क्लास में लेके आया हूँ आप लोगों के लिए केकड़ी जिले दर्शन। यानी कि हम लोग एक एक जिलों का दर्शन करेंगे, एक एक जिले पढ़ेंगे जो कि अभी नए बने हैं। नए बने 17 जिलों का क्या करेंगे अपन, अध्ययन करेंगे। टोटल कितने जिले हो गए, 50 जिले अब हो चुके हैं। 50 जिले हो चुके हैं, खुशखबरी मनाइए, खुशियां मनाइए, 50 जिले हो चुके हैं। और हम लोग जिस जिले के बारे में पढ़ने वाले हैं, केकड़ी जिले। केकड़ी जो जिला है वो अभी अजमेर जिले से अलग हुआ है। केकड़ी अजमेर जिले से अलग हुआ है। और एक जो जिला हुआ है अजमेर जिले से अलग, वो है ब्यावर। और ब्यावर भी पहले किसमें था, अजमेर में था, और अब बन गया है केकड़ी जिला। केकड़ी जिले में जो है बात करने के लिए बहुत सारी बातें हैं, लेकिन फिर भी हम कुछ मुख्य मुख्य बातें इसके बारे में पढ़ेंगे जो कि आपके आर्ट एंड कल्चर, ज्योग्राफी, पॉलिटी तो कुछ चेंज हुआ ही नहीं है। वहां से चेंजिंग जो क्वेश्चंस बनेंगे उनके बारे में हम लोग बात करेंगे। तो आप लोग धैर्य से इस कक्षा को देखना, बिल्कुल भी स्किप मत करना, नहीं तो कोई टॉपिक छूट जाएगा। दोस्तों, आप हमारे साथ लगातार जुड़ते रहिए, हम आपके लिए अपनी जान न्योछावर कर देंगे। आप हमने आपको दिल दिया है दोस्तों, और दिल दिया है तो प्यार तो करेंगे, प्यार तो करेंगे। दोस्तों, गठन जो है 4 अगस्त 2023 को हुआ है केकड़ी जिले का। केकड़ी जिले का गठन हुआ है 4 अगस्त 2023 को। अजमेर और टोंक के कुछ क्षेत्र मिलकर बना है अपना कौन सा, केकड़ी जिला। केकड़ी जिला कौन कौन से, अजमेर और टोंक जिले को तोड़कर बनाया गया है। देखिए, अजमेर में तो बहुत सारी जो है उपखंड स्तर, अजमेर के जो बहुत सारे तहसील है, और एक तहसील अपनी जो है टोंक की है, कौन सी, टोडा राय सिंह से जो है वो टोंक से अलग हुआ है टोडा राय सिंह, और अभी बन गया है केकड़ी जिला। केकड़ी जिला तो कुछ बहुत सारी बातें जो कि केकड़ी जिले में ऐड हुई है, ये मैं आपको बताने वाला हूँ अभी। एक एक उपखंड के बारे में और एक एक तहसील के बारे में भी आपको बताऊंगा। दोस्तों, बात कर रहे हैं, 5 उपखंड बन गए हैं और 6 तहसीलें हैं केकड़ी जिले में। 5 उपखंड और 6 तहसीलें। दोस्तों, यहाँ क्वेश्चन क्या बन सकता है कि कौन सा जो है तहसील, कौन सी तहसील जो है केकड़ी जिले में जुड़ी है, कहाँ से अलग होके टोंक जिले से, टोंक जिले से अलग होके कौन सी तहसील जो है केकड़ी जिले में जुड़ी है, तो वो कौन सी तहसील है, टोडा रायसिंह टोंक। कौन सी, टोडा रायसिंह टोंक। ये बात आपको कान खोल के सुन लेनी है। क्या कर रहे हैं, क्या करनी है, कान खोल के क्या कर लेनी है, सुन लेनी है। दोस्तों, अंतर्वर्ती जिला है, कौन सा जिला है, अंतर्वर्ती जिला है। अंतर्वर्ती जिले का मतलब क्या होता है, अंतर्वर्ती जिले का मतलब यह वो होता है कि कोई भी जो ये जिला, कोई भी ऐसा जिला जिसकी सीमा पर न तो कोई राष्ट्रीय जिला हो, यानी कि अंतरराष्ट्रीय न तो कोई सीमा लगी हो, न ही अंतरराज्य कोई सीमा लगी हो, ठीक है, न तो कोई अंतरराज्य न कोई अंतरराष्ट्रीय सीमा उस जिले के लगी हो, वो अंतर्वर्ती जिला कहलाता है। कौन सा, अंतर्वर्ती जिला। मैं यहाँ पे लिख दूं कि कौन, कोई जिला जिला जिस पर न तो अंतर राज्य व न ही अंतर राष्ट्रीय सॉरी अंतरराष्ट्रीय राष्ट्रीय सीमा लगी हो, नहीं लगी हो, सीमा लगी हो। यानी कि कोई भी जिला जिसके न तो कोई अंतरराज्य सीमा हो और न ही कोई अंतरराष्ट्रीय सीमा हो, कौन सी, अंतरराष्ट्रीय सीमा हो, ठीक है। तो ये अपना कौन सा जिला हो गया भाई, केकड़ी जिला हो गया। 5 जिलों से सीमा लगती है केकड़ी जिलों की, 5 जिलों से सीमा लगती है केकड़ी जिले की। कौन कौन से होते हैं 5 जिले, कौन कौन से हैं, पहला तो अपना अजमेर ही हो गया, तो अजमेर से तो अलग ही हुआ है, ये तो याद रह ही जाएगा। फिर दूसरा हम लोग देखें शाहपुरा, शाहपुरा में भी जिला बना है, वो भी
सीमा लगाता है केकड़ी के। फिर तीसरा जो होता है वो है भीलवाड़ा। भीलवाड़ा पहले से ही केकड़ी के टच में था। फिर जो अगला जिला है वो होता है अपने चौथा ब्यावर। ब्यावर भी अपने इससे जुड़ा हुआ है। और जो पांचवा है वो है टोंक। तो ये मुख्य जिले हैं जिनसे सीमा लगती है अपने केकड़ी जिले की। अब हम लोग इस जो नक्शे से देखते हैं कि कहाँ कहाँ क्या क्या है। देखिए ये अपना केकड़ी जिला हो गया यहाँ पे, और ये अपना क्या हो गया सावर। सावर भी तहसील बनी है अभी। ये अपना भिनाई हो गया, भिनाई अजमेर। और ये अपना सरवाड़ हो गया, ये टांटोटी हो गया। ये उपखंड नहीं है, सिर्फ तहसील है। इसमें उपखंड कौन कौन से? एक तो भिनाई उपखंड है, सरवाड़ उपखंड है, केकड़ी उपखंड है, और सावर उपखंड है, और टोडा रायसिंह उपखंड है। ये मुख्य उपखंड क्षेत्र है, उपखंड के क्षेत्र है। और एक हो गई अपनी तहसील एक्स्ट्रा, मतलब कि 6 तहसीलें हो गई और पांच क्या हो गए, पांच क्या हो गए उपखंड क्षेत्र। तो ये तो मुख्य बातें ध्यान रखनी है अपने केकड़ी जिले के बारे में। मैंने अभी बताया था आपको, क्या बताया था मैंने आपको कि केकड़ी जिले के कौन कौन से जिलों की सीमा रखती है। देखिए ये हो गया अपना अजमेर, अजमेर की सीमा लग रही है केकड़ी की। ये अपना हो गया ब्यावर, ब्यावर की सीमा भी लग रही है ना, ठीक है। फिर भीलवाड़ा की सीमा लग रही है। शाहपुरा अपना यहाँ पे हो गया, शाहपुरा जिला, वहां इसकी सीमा लग रही है। ये है टोंक जिला, टोंक जिले की भी सीमा लग रही है। तो ये पांच जिले आप नक्शे से देख सकते हो, ये पांच जिले जो है सीमा लगाते हैं अपने केकड़ी जिले के। पांच जिले सीमा लगाते हैं। तो ये बातें हो गई मुख्य अपने केकड़ी जिले के बारे में। अब लोग हम लोग जो है वो बात करने वाले हैं कुछ इंपॉर्टेंट प्रश्नों की, जो कि हमेशा जो है बनते आए हैं और बनेंगे इस बार भी मुझे लगता है। एक तो है अपने सोकलिया अजमेर, सोकलिया अजमेर। और ये जो है पहले भिनाई तहसील में पड़ता था, भिनाई, और अभी भी भिनाई तहसील में ही है। पहले अजमेर जिला इसके लगता था, कौन सा? अजमेर। लेकिन अब जो है जिला चेंज हो गया है यहाँ पे, और हो गया है ये केकड़ी। कौन सा हो गया भाई? केकड़ी जिला हो गया, यानी सोकलिया जो है वो केकड़ी जिले में अब आने लगेगा। सोकलिया कौन से जिले में आएगा? केकड़ी जिले में आने लगेगा। सोकलिया जो गांव है वो क्यों महत्वपूर्ण है? देखिए सोकलिया जो गांव है दोस्तों, ये सोकलिया गांव में अपने राज्य पक्षी, कौन सा राज्य पक्षी, कौन सा है अपना राज्य पक्षी? गोडावन। कौन सा? गोडावन। राज्य पक्षी गोडावन जो है इसकी शरण स्थली इसे कहते हैं, शरण स्थली कहते हैं, ठीक है। शरण स्थली कहते हैं किसको? कहते हैं सोकलिया अजमेर को। और कहाँ कहाँ पे गोडाउन पाए जाते हैं मैं आपको बता देता हूँ। एक तो पाए जाते हैं अपने सोरसेन बारा। कौन से? सोरसेन बारा, सोरसेन बारा में, बारा में, ठीक है। एक अपने पाया जाता है मरु उद्यान, मरु उद्यान कहाँ पे? जैसलमेर बाड़मेर में। तो ये तो हो गई मुख्य मुख्य बातें अपने किसके बारे में? राज्य पक्षी गोडाउन के बारे में। अब आपको पूछ ले राज्य पक्षी गोडाउन की शरण स्थली कौन सी है, तो सोकलिया तो रहेगा, उसमें जो जिला हो जाएगा वो हो जाएगा केकड़ी जिला। कौन सा? केकड़ी जिला। केकड़ी जिला हमारे बहुत करीब है, यानी कि हम जो अभी क्लास ले रहे हैं आपकी वो केकड़ी जिले में से ही ले रहे हैं। अब कुछ और बातें करते हैं अपने केकड़ी जिले के बारे में। देखिए जो राज्य की, सॉरी, देखिए राज्य की जो प्रथम सहकारी बैंक है, कौन सी? सहकारी बैंक। राज्य की प्रथम सहकारी बैंक कहाँ है? भिनाई। कहाँ है? भिनाई में, ठीक है। तो ये अब आ गई है अपने केकड़ी जिले में। पहले अजमेर जिले में आती थी राज्य की प्रथम सरकारी सहकारी बैंक, अब अपने कहाँ आ गई है भाई? अपने केकड़ी जिले में आ गई है। कौन सी? राज्य की प्रथम सहकारी बैंक कहाँ पे आ गई है? केकड़ी जिले में। कहाँ पे है ये? भिनाई में है। भिनाई कहाँ है? केकड़ी जिले में। और इस जो सहकारी बैंक की जो स्थापना हुई थी वो हुई थी 1905 में। कब हुई थी? 1905 में। तो ये मुख्य बातें भी आप याद रखना है, ठीक है। अब हम लोग बात करते हैं कुछ अन्य चीजों के बारे में। देखिए बनास नदी के नाम सुना होगा आपने, बनास सबसे लंबी अंतर प्रवाह की नदी है, बनास, ठीक है। बनास मतलब राज्य के अंदर बहने वाली सबसे लंबी नदी है। कौन सी? बनास। निकलती कहाँ से है? निकलती कहाँ से आपको पता होगा?
हमनौर की कहाँ से? पहाड़ियों से। और खमनौर की पहाड़ियाँ कहाँ पे है? राजसमंद में। राजसमंद में कहाँ है खमनौर की पहाड़ियाँ? राजसमंद में। तो पहले जो है कितने जिलों से? 6 जिलों से होकर ये बहती थी, अब जो है ये 7 जिलों, केकड़ी जुड़ने के पास 7 जिलों में होकर ये बहेगी। तो ये अपन को याद रखना है कि अब जो बनास है वो 7 जिलों में होके बहेगी। कौन कौन से 7 जिले आपको बताऊं? कौन कौन से 7 जिले? पहला तो जिला हो गया अपना राजसमंद ही, राजसमंद। दूसरा हो गया अपना चित्तौड़। कौन सा? चित्तौड़, ठीक है। तीसरा जो जिला हो गया अपना कौन सा हो गया भाई? तीसरा जो जिला हो गया, तीसरा जो जिला हो गया भाई वो हो गया अपना भीलवाड़ा। कौन सा? भीलवाड़ा। चौथा जो जिला हो गया अपना अजमेर। कौन सा? अजमेर। पांचवा जो जिला हो गया अपना केकड़ी, केकड़ी। छठा जो जिला हो गया अपना कौन सा हो गया? टोंक हो गया। कौन सा हो गया? टोंक। अब कौन सा बचा? कौन सा बचा भाई? ये 6 ही, सॉरी 6 जिलों में ही बहती है, ये 6 जिलों में ही बहती है अपनी बनास। पहले किसने में? 5 जिलों में बहती थी, तो केकड़ी नहीं था, तो 5 जिलों में बहती थी। अब कौन से? 6 जिलों में बहती है। 6 जिलों में बहती है, यहाँ वापिस आता हूँ, 6 जिलों में बहती है। पहले 5 जिलों में बहती थी, अब जो है 6 जिलों में अपनी बनास बहती है, ठीक है। अब बात करते हैं अपने कुछ और अन्य बातें कि जो है तांबड़ा, तांबड़ा का नाम सुना होगा आपने, तांबड़ा या अपने गार्नेट, गार्नेट। ये जो है पहले अपने अजमेर जिले में भी पाया जाता था, अजमेर जिले में सरवाड़ में, सरवाड़। अब जो ये सरवाड़ है ये केकड़ी की तहसील हो गई है। कौन से की हो गई है? केकड़ी की तहसील हो गई है सरवाड़। तो अब जो है केकड़ी जिले में क्या पाया जाता है? तांबड़ा पाया जाता है, ठीक है। और कहाँ पाया जाता है तांबड़ा? राजमहल टोंक में, राजमहल टोंक में, राजमहल टोंक में। तो ये हो गई खनिजों की बात। सावर का नाम सुना होगा, सावर में क्या है? सावर में क्या है? मार्बल है, मार्बल, व्हाइट मार्बल। व्हाइट मार्बल कहाँ निकलती? सावर में निकलती है अपने। और काली ग्रेनाइट निकलती है, काली ग्रेनाइट। काली क्या निकलती है? ग्रेनाइट। काली ग्रेनाइट निकलती है। और क्या निकलते हैं? क्वार्ट्स, क्वार्ट्स पत्थर जो होते हैं वो निकलते हैं। तो ये सब भी अब कहाँ निकलने लगे अपने केकड़ी में? निकलते हैं तो पहले उसी जगह पे निकलते हैं, लेकिन जिला कौन सा हो गया भाई? केकड़ी हो गया। एक और बात अपन करते हैं बिसलपुर बांध की। सबसे बड़ा प्रश्न यहाँ से बन सकता है, बिसलपुर, बिसलपुर बांध टोंक जिले में आता था पहले, टोडा रायसिंह टोंक में, तो अब ये भी अपने केकड़ी में आ गया है। कहाँ पे आ गया है? केकड़ी जिले में आ गया है। इसका जो निर्माण हुआ था वो हुआ था 1998 में शुरू हुआ था और हुआ था 1999 तक खत्म। ये बातें हो गई मुख्य बातें हमने केकड़ी जिले के बारे में। कुछ और बातें हम करते हैं, देखिए अंगारों की होली, अंगारों की होली, अंगारों की होली, अंगारों की जो होली है वो कहाँ खेली जाती है? अपने केकड़ी में खेली जाती है। तो केकड़ी जिला हो गया, पहले अजमेर जिला था। अंगारों की होली और कहाँ खेली जाती है? इस प्रश्न का उत्तर आप कमेंट में दोगे, और कहाँ खेली जाती है अंगारों की होली, ठीक है। एक और बात, अपने भवाई नृत्य का नाम सुना होगा, मैंने सुबह ही पढ़ाया था, भवाई नृत्य। भवाई नृत्य के जो जनक है मैंने आपको बताया था कौन से? बाघोजी जाट, बाघोजी जाट, बाघोजी जाट। ये भी अपने केकड़ी के निवासी थे। कहाँ के निवासी थे? केकड़ी के निवासी थे। कौन थे? बाघोजी जाट जो थे वो केकड़ी के निवासी थे अपने। देखिए एक और प्रश्न यहाँ से बन सकता है, कालू मीर की, जो कालू मीर की क्या, कालू मीर की क्या है? मदार। कालू मीर की क्या है? मदार। और ये भी अपने कहाँ हो गई आजकल? कहाँ हो गई भाई? सरवाड़ में है, सरवाड़ में है। और ख्वाजा, ख्वाजा फकरुद्दीन, फकरु दीन साहब, फकरुद्दीन साहब की जो दरगाह है वो भी अपने सरवाड़ में है। और सरवाड़ कहाँ पे है? केकड़ी में आ गया है, केकड़ी जिले में आ गया है। तो ये इतनी सारी बातें अपन को केकड़ी जिले के बारे में याद रखनी है। और कुछ बातें अपन को याद रखनी है। आपने सुना होगा संत पीपा, संत पीपा के बारे में सुना होगा।
इस संत पीपा की जो गुफा थी, गुफा ये टोडा रायसिंह टोंक में थी, टोडा रायसिंह में थी। और अब ये कहाँ आ गई है भाई, अब कहाँ आ गई है ये, अपने केकड़ी जिले में, केकड़ी जिले में आ गई है, ठीक है। और एक और बात, आपको आपने सुना होगा हार्डी रानी कुंड के बारे में, हार्डी रानी कुंड के बारे में, ठीक है। और ये भी अपने कहाँ आ गया, केकड़ी जिले में। पहले ये कहाँ था, टोडा रायसिंह टोंक में था, टोडा रायसिंह टोंक में था, ठीक है। तो इतनी सारी बातें आपको याद रखनी है अपने केकड़ी जिले के बारे में। तो मिलते हैं अगले जिला दर्शन वीडियो के साथ, तब तक के लिए गुड बाय, बाय बाय, टाटा। आप सभी ध्यान रखना अपने अपने दोस्तों का, और अपने दोस्तों के साथ शेयर जरूर करना। मिलते हैं अगले वीडियो में, धन्यवाद, शुभ दिन, बाय।